हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है प्लग सॉकेट सिस्टम में अर्थ पिन का साइज फेज या और लाइन और न्यूट्रल पिन से डिफरेंट या फिर उससे बड़ा साइज में क्यों होता है। तो उसके ऊपर तीन पॉइंट्स हैं जिस पे बात करेंगे। तो जैसा कि अगर आप लोग ऑब्जर्व कीजिएगा, किसी किसी प्लग में ऑलरेडी मेंशन उसके ऊपर ही मेंशन किया रहता है कि अर्थ पिन कौन सा है। इफ़ नॉट, आप उसको देख के ही, उसके साइज देख के ही पता चल जाता है। तो उसके लिए तीन पॉइंट हैं जिस पे आते हैं, पर उससे पहले देखते हैं कि अर्थ पिन यूज़ क्यों होता है। सो अगर आपका कोई इक्विपमेंट है, लाइक इसको इक्विपमेंट एज अ रेफ्रिजरेटर लेते हैं, जहाँ पे मोस्टली हम लोग शॉक ऑब्जर्व करते हैं, कभी रेफ्रिजरेटर को ओपन किए और आपको शॉक लगा है। सो अगर रेफ्रिजरेटर या फिर कोई भी इक्विपमेंट प्रॉपरली अर्थ नहीं है और आप जाके उसको टच करते हैं, ऑपरेट करते हैं, तो क्या होता है, जो भी लीकेज करंट है उसके ऊपर बॉडी का, किसी भी इक्विपमेंट के ऊपर लीकेज करंट रहता ही है मोस्टली, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए एक वायर उसके बॉडी से कनेक्ट करके, इक्विपमेंट के बॉडी से कनेक्ट करके उसको अर्थ किया जाता है कि जो भी बहुत ही छोटा सा करंट, लाइक 20 मिली एम्स या फिर 15 मिली एम्स, उस टाइप का करंट, वो थ्रू दिस अर्थ पिन वो ग्राउंड में चला जाए। अगर ये नहीं है, तो जब भी आप उस इक्विपमेंट को टच कीजिएगा तो सेम लीकेज करंट आपके बॉडी के होते हुए थ्रू ग्राउंड में जाएगा, और जिसके चलते लीकेज करंट ऑब्जर्व होता है, ये सॉरी शॉक ऑब्जर्व होता है। तो सबसे पहला है पॉइंट, क्यों इसका साइज अलग रहता है। तो जैसा कि साइज दिख रहा है, इसका जो अर्थ पिन है वो फेज एंड न्यूट्रल पिन से थोड़ा लंबा है। तो लंबा होने के चलते क्या होगा, जब भी आप सॉकेट में इसको फिट करेंगे तो जो अर्थ पिन है वो सबसे पहले कॉन्टैक्ट में आएगा सिस्टम के। तो ये सॉकेट है, जैसे ही हम लोग इंसर्ट करेंगे तो सबसे पहले अर्थ पिन जाएगा। तो अर्थ पिन इंसर्ट होने से क्या होता है कि जो भी बॉडी है, जो भी इक्विपमेंट है, वो सबसे पहले, सबसे उसको फेज और न्यूट्रल मिलने से पहले उसको अर्थ मिल जाता है। अर्थ मिलने के चलते जो भी उसका बॉडी में लीकेज करंट, बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, अगल बगल के इक्विपमेंट रहेंगे उसके थ्रू जो लीकेज करंट हो, या फिर खुद उसका लीकेज करंट हो जनरेट होता, उससे पहले उसको अर्थ मिलता है, जो कि जिसके थ्रू लीकेज करंट ग्राउंड में चला जाता है और इक्विपमेंट सेफ रहता है। तो पहला पॉइंट ये है, फर्स्ट कॉन्टैक्ट टू इक्विपमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है नो मिसमैच ऑफ पॉइंट्स। तो इसमें सिंस तीन पॉइंट है, और सिंस इस दोनों का साइज सेम है बट इसका साइज डिफरेंट है, तो आप दूसरे किसी पॉइंट पे इसको इंसर्ट नहीं कर सकते। तो इट्स वेरी बेसिक, तो दूसरे किसी पॉइंट पे वो नहीं जाएगा, जो उसका निर्धारित जगह है, जो स्पेसिफिक पॉइंट है, जो स्पेसिफिक होल है, वहीं जाना है। तो नो मिसमैच ऑफ पॉइंट, उसके चलते एरर प्रूफिंग रहेगा। और थर्ड पॉइंट है रेजिस्टेंस कम होने का, कि लाइक इसका जो साइज़ है, सिंस सरफेस एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा। तो ये पॉइंट 100% मेरे ख्याल से तो ट्रू नहीं है, क्योंकि जो तीन केबल रहते हैं अंदर, फेज के, न्यूट्रल के एंड अर्थ के, तो तीनों का इंटरनल केबल का साइज सेम रहता है। तो ठीक है, ये अर्थ पॉइंट है, इसका ये साइज थोड़ा बड़ा रहेगा कंपेयर टू पिंस बड़ा रहेगा, बट जो मेन वायर्स है केबल के अंदर, उन तीनों का साइज सेम रहता है। तो ये एज अ पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं, बट नॉट टू 100%। तो आई विल नॉट कंसिडर दिस पॉइंट, के रेजिस्टेंस कम होने के चलते ये कुछ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देता है। सो दिस टू पॉइंट्स, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है टेक्निकल आपका इंटरव्यू में या फिर कहीं पे, सो प्लीज़ गो फॉर दिस टू पॉइंट, रेजिस्टेंस आई विल नॉट प्रेफर। सो थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर इलेक्ट्रिकल वीडियोज़।